भ्रंश इनकलाब की आवाज़ है, भ्रंश तब्दीली का नाम है, भ्रंश वो भ्रंश है जो आज हज़ारों लोगों को तुर्बत के सड़कों पर निकालने पर मजबूर करती है, भ्रंश वो आवाज़ है जो ग्वादर में एक मरतबा फिर शहदाए ग्वादर, लाला अमीद, कामरेड कयूम, शहीद अहमद दाद, शहीद महबूबा डेला, शहीद अब्दुर्रहमान आरिफ, उन समय तमाम शोदा की याद को ताज़ा कर देती है। भ्रंश वो आवाज़ है जो बलोच नौजवानों को सोशल मीडिया पर इस कदर तवाना और मुहकम बना देती है कि ज़ूर बुलेदी समेत तमाम रियासती सरपरस्ती में काम करने वाले वो वुज़रा, वो पार्लियामेंटेरियन जो इन रियासती डेथ स्क्वाड्स के लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं, मजबूर हो जाते हैं कि अपनी सफाइयां पेश करें, मजबूर हो जाते हैं कि वो भ्रंश के अहले खाना से जाकर मिलें, मजबूर हो जाते हैं कि वो नाज मलिक को सरकारी शहीद का दर्जा दें, जो कि नॉर्मल किसी भी वाक्ये या चोरी के वाक्ये में किसी इंसान को कत्ल होने या शहीद होने पर नहीं मिलता। लेकिन चूँकि ये वाक़िया नॉर्मल नहीं था, ये आम चोरी या डकैती का वारदात नहीं था, इस वाक़िए में मुलव्विस अनासिर वो लोग हैं जिन्हें रियासती सरपरस्ती में, जिन्हें MI और ISI की सरपरस्ती में डेथ स्क्वाड की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनका काम बलोच सियासी कारकुनान की अगवानुमा गिरफ्तारी, उन पर तशद्दुद और बाद अज़ां उनकी तशद्दुद ज़दा लाशें सड़कों के किनारों में फेंकना है। अब इन्हीं लोगों को जब ताकतवर किया जाता है, ताकतवर बनाया जाता है, तो ये अनासिर, ये लोग अपनी तमाम हदें पार करते हुए अब इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि बलूचिस्तान की माओं बहनों को जबरी तौर पर कत्ल किया जा रहा है। नाज मलिक का वाकया पहला नहीं है, भ्रंश पहली बच्ची नहीं है जिसे बलूचिस्तान में इस तरह की जबरी जो है एक जबर का सामना करना पड़ा है, जिसे 4 साल की उम्र में इस वहशत और दरिंदगी का सामना करना पड़ा है कि वो लोगों से कहती है कि मेरे करीब मत आओ, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। भ्रंश ने जहां पाकिस्तान का बलूचिस्तान के साथ जो रिश्ता है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान के साथ जो रवैया है, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी इंसानी हकूक के इदारे, उनकी जो हकायक हैं, जो सच्चाई है, उसको आया किया है, वहीं भ्रंश ने बलूचिस्तान में मौजूद उन तमाम आवाज़ों को, उन तमाम इंसान दोस्तों को, उन तमाम माओं बहनों बेटियों भाइयों बुज़ुर्गों को यकजा किया है और उन्हें ये कहा है, अगर आज नहीं उठोगे, अगर आज नहीं बोलोगे, तो कल आपके घर की भ्रंश को इसी तरह से रोते हुए वीडियोस में आना पड़ेगा, जख्मी शुदा तस्वीर उसकी भी शेयर की जाएंगी। लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप खुद इस धरंदगी, इस वहशत और इस रियासती बर्बरियत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, भ्रंश के खिलाफ इस तरह के वारदात होते रहेंगे। और आज का बलूच, आज का गयूर बलूच, आज का बाशहूर बलूच, चाहे वो ग्वादर में हो, तुर्बत में हो, खुजदार में हो, क्वेटा में हो, कराची में हो, बलूचिस्तान से दूर दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो ये जानता है, वो ये समझता है, वो ये मानता है कि बलूच को, बलूच कौमी बका की खातिर आवाज़ उठाने की, जद्दोजहद करने की, मुज़म्मत करने की, बगावत करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग बलूचों को ये कहते हैं कि आप आवाज़ मत उठाओ, आप लापता कर दिए जाओगे, आप मार दिए जाओगे, आपको टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन क्या आज खामोश हुआ बलूच, खामोशी से रहता बलूच, खामोशी से रहते हुए बलूच माएँ बहनें, उन पर वो रियासती पाले हुए लोग, रियासती फोर्सेस, डेथ स्क्वाड या लोकल जो उनके गुंडे हैं, वो हमलावर नहीं हैं? क्या समीर सबजल और उनके गैंग ने बलोच
बहन नाज मलिक को एक सिर्फ मजलूम बलोच होने के नाते शहीद नहीं किया, कि अब्रम्श की जो हालत है, जो सहमी हुई हालत है, जो डरी हुई हालत है, या जो उसके जिस्म पर लगे हुए जख्म हैं, वो बलोच कौम की मजलूमियत महकूमियत को आया नहीं करती। तो आज तमाम बलोच कौम के लोगों को ये सोचना होगा, चाहे वो बलूचिस्तान में हों, बलूचिस्तान से बाहर हों, दुनिया में कहीं भी मौजूद हों, कि हमें भ्रंश के लिए भ्रंश बनना पड़ेगा, उस आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना पड़ेगा। आवाज़ पहुंचाने के लिए हज़ारों वसीले हैं, हज़ारों रास्ते हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो।